हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट करेंगे पहले हम इसका. ठीक है, तो ध्यान से समझो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास नाइन्थ हो चाहे टेंथ हो. तो ये कंसेप्ट में कुछ नया ही सीखने को मिलेगा आपको, तो वो आप ध्यान से देखो. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में. ठीक है, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है. जनरल पहले आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. ठीक है, अब ये तीनों क्या चीजें, क्योंकि ये तीनों का जो रिलेशन है वो पॉलीनोमियल से है. ठीक है, वो आपको चीज ध्यान से समझनी है. वेरिएबल क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगी आपको जो ध्यान रखनी है. वेरिएबल आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ऑल अल्फाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स. ठीक है, ये वो भी आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज जो आप याद रख सकते हो वेरिएबल के लिए. ठीक है, आपको कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है किसी भी फॉर्म में किसी भी डिजिट के साथ, उसको आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबल. ठीक है, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, मतलब हर सिचुएशन में ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल्स कैन चेंज. ठीक है, ये हो सकते हैं चेंज. अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो आपके पास क्या है. लेट अस सपोज आपने लिया थ्राइस एक्स प्लस फाइव दे दिया. ठीक है, अब ये जो आपको इस पूरी इक्वेशन में, अब ये इक्वेशन कौन सी है वो हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे. ये जो आपको इसमें अल्फाबेट दिख रहा है आपको एक्स, इस एक्स को आप क्या बोलोगे, वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी डिजिट के साथ अटैच है. ठीक है, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, वेरिएबल. आप ये ले लो, आप 7y ले लो, 7p ले लो, कुछ भी ले लो, 8m ले लो, इस तरह के आपने देखे होंगे अल्फाबेट्स. तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कोफिशिएंट. ये भी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसको भी एक सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या हो गया. कोफिशिएंट क्या हो गए, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट, नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट. ठीक है, बोल सकते हो, जो भी नंबर आपको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता दिख रहा है उस चीज को आप क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया 7x प्लस 5, क्या लगता है कौन सा कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल ये है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, वो नंबर क्या होगा आपका, कोफिशिएंट. तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, कॉन्स्टेंट को भी सिंपल भाषा में समझते हैं क्या है वो. ठीक है, अब कांस्टेंट क्या हो गया, सिंपल समझो, जो वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होगा, जो वेरिएबल से बिल्कुल अलग होगा नंबर. ठीक है, उस चीज वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है. ठीक है, तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, विच डजंट अटैच विद द वेरिएबल. इस तरह आप याद रख सकते हो, जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच नहीं है, प्लस माइनस से वो अलग हो रहा है, उस चीज को आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल 8p प्लस 7. ठीक है, अब आपको इधर पता है p क्या है, वेरिएबल, एंड 8 इज कोफिशिएंट, और जो प्लस से अलग हो रहा है 7, वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट. तो ये हो गई आपकी तीन चीजें. तो तीन चीजें आपको ये ध्यान रखनी है. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल. ठीक है, अब पॉलीनोमियल पहले हमने करने हैं, ये दो टाइप्स में होते हैं. एक तो होते हैं सिंपल इस टाइप में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले आप पढ़ोगे मोनोमियल. मोनोमियल नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन. ठीक है, विच कंटेन्स, सीधे आपको याद रखना है, विच कंटेन्स वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो. लेट अस सपोज आपने ले लिया 1000, सीधे सीधे क्या है, मोनोमियल.
लेटर सपोज आपने ले लिया थ्राइस एक्स प्लस फाइव एक्स, क्या लगता है थ्राइस एक्स प्लस फाइव एक्स क्या होगा? ये मोनोमियल होगा? अब कई बोल रहे होंगे ये बायनोमियल होगा, ये बायनोमियल नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स है वो सेम है और सेम वेरिएबल आपस में क्या हो जाते हैं, जो भी साइन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। प्लस है तो बीच में प्लस हो रहे, तो फाइव और थ्री कितने हो गए एट एक्स, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका मोनोमियल। तो इस टर्म को आपने कभी भी बायनोमियल नहीं बोलना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बायनोमियल है, बायो मीन्स बाई मीन्स टू, ठीक है। अब इसमें आपने कैसे याद रखना है, विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, ये वर्ड आपने नहीं भूलना है अनलाइक, ठीक है। आप लिखोगे खाली विच कंटेन्स टू टर्म, वो तो ये भी ये है दो टर्म्स लिए, नहीं विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, जब ये चीज लिखोगे ऑटोमेटिकली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बायनोमियल को। फॉर एग्जाम्पल अब आप कुछ भी ले लो थ्राइस एक्स प्लस फाइव वाई, दोनों को दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से क्या बिल्कुल अलग है और दो अलग टर्म्स है, इट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो बायनोमियल, इसको बायनोमियल नहीं बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, ट्राई मीन्स थ्री, क्या लगता है क्या होगा, विच कंटेन्स, आप खुद बना सकते हो डिफाइन, विच कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म्स, अनलाइक लिखना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीन अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये आपने लिए तीन टर्म्स, ठीक है, तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आप कर रहे हो थ्राइस एक्स प्लस थ्राइस वाई प्लस फोर एक्स प्लस फाइव जी, क्या लगता है ये वाली टर्म कौन सी होगी, ये ट्राइनोमियल होगी। आपको देखो इसमें दो एक्स वाली टर्म्स दिख रही है ये, तो इट मीन जो x वाली सेम सेम टर्म्स हैं वो क्या होती है मोनोमियल, मतलब सिंगल बन जाती है ना। तो थ्राइस एक्स प्लस फोर एक्स इसको हम ऐड कर सकते हैं सेवन एक्स, क्या बचा ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे ये ऐड तो होगा नहीं, तो ये ट्राइनोमियल है, इसको आप क्वाड्रिनोमियल नहीं बोलोगे, ठीक है। अब जो फोर वाली होती है वो आपकी होती है क्वाड्रिनोमियल, उसको आप क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्वाड का मतलब क्या होता है फोर, विच कंटेन्स फोर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। कुछ भी आप उसमें ले लो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सारी की सारी टर्म्स जो है वो अलग है, तो आप इसको पॉलीनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। लास्ट हमने किया क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रिनोमियल के आगे जिसमें फाइव टर्म्स होंगी अनलाइक, सिक्स टर्म्स होंगी, सेवन होंगी, उन सबको आप किस कैटेगरी में रख सकते हो, वो सारी की सारी जो होंगी वो आपकी आएंगी पॉलीनोमियल्स की कैटेगरी में, ठीक है। क्योंकि पॉली का मतलब क्या हो गया, पॉली का मतलब हो गया मैनी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइव से आगे आप जितनी भी, फोर वाली को भी आप पॉलीनोमियल बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाइव से आगे जितनी वाली टर्म्स आ रही है, फोर के आगे जितनी वाली टर्म्स आ रही है, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में जाएंगी, पॉलीनोमियल्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल एक आपने किए, अब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जो हमने पहले समझे वो अब इसमें लगेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपका आएगा लीनियर पॉलीनोमियल, क्या लगता है लीनियर पॉलीनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल सिंपल भाषा में इसको करेंगे When variables, variable अभी भी पढ़ा, variables highest degree is one. जब variable की highest degree one होगी तब आप उसको क्या कहोगे, linear polynomial. अब for example, most important है इसको ध्यान से सोचो, for example आपने ले लिया जैसे कि thrice x plus 5. लिए कम, सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल की डिग्री अगर कुछ नहीं है तो मतलब वन है, वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल। अब सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी जर्नल फॉर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जर्नल फॉर्म। अब जर्नल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, अगर आपने इसके लिए लेटर सपोज आपने सेवन एक्स भी लिखा है, आपको सिर्फ एक्स से मतलब है, वेरिएबल से मतलब है, उसकी डिग्री से मतलब है, ये सेवन हो चाहे ना हो, कांस्टेंट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो होगा आपका ये क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है।
अब जर्नल फॉर्म जो होती है, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है जर्नल फॉर्म हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होती है। जर्नल फॉर्म जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होती है। अगर आपने ये टर्म लिखी है 7x-5, इसको आपने लीनियर पॉलीनोमियल को बताया है, लेकिन जर्नल फॉर्म में आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जर्नल फॉर्म मैंने क्या बोला, ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना, ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। कैसे बनाओगे, अगर मैंने ये टर्म लिखी है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले लीनियर पॉलीनोमियल है उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले लेट अस सपोज आपने वेरिएबल लिया, वेरिएबल लिया उसके साथ कोई ना कोई कोफिशियंट होना चाहिए, लिया प्लस उसके आगे जो टर्म होती है, क्योंकि जब उसकी वेरिएबल की डिग्री वन है, आगे वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल्स टू वन, मतलब आगे कॉन्स्टेंट होगा, तो वो आप क्या ले लो, बी। अब ये जो जर्नल फॉर्म है ये किसकी जर्नल फॉर्म है, ये लीनियर पॉलीनोमियल की जर्नल फॉर्म है। अब अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे करोगे, एक्स की जगह एक्स लिखोगे, सेवन एक्स के साथ प्लस आगे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, जीरो। तो आप आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको करोगे तो कैसे करोगे, सेवन एक्स माइनस है, प्लस का प्लस लिखोगे और कॉन्स्टेंट की जगह माइनस फाइव, तो सेवन एक्स माइनस फाइव, तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जर्नल फॉर्म जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम टर्म्स में होती है। तो हमारी टर्म्स कितनी होती है लीनियर पॉलीनोमियल में, दो, एक और दो, ठीक है। स्टूडेंट आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल का कुछ पार्ट किया है, ठीक है, अब पार्ट सेकंड आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो आप इतनी देर आप इसको पढ़ो अच्छे से और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले क्या पढ़ रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन साथ साथ आते जाए।